हेलो दोस्तों, बात करते हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की। और आप देखिए कि 10 रुपए 15 पैसे का स्टॉक हो चुका है हमारा, 1% के आसपास का ग्रोथ देखा गया है इस स्टॉक में। दो बड़ी खबरें आई हैं, एजीआर केस की सुनवाई थी सुप्रीम कोर्ट में, एंड द सेकंड न्यूज इज की फंड रेज के लिए जो पहले प्लान था कि हाइब्रिड सिक्योरिटी को बाहर निकाल के वो पैसा रेज करेंगे, उसके लिए वोडाफोन आइडिया ने मना कर दिया है। तो दोनों खबरों का क्या असर होगा उसकी बात करेंगे हम यहाँ वीडियो में, एंड बात करेंगे कि स्टॉक में आने वाले दिनों में किस तरह का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देता है, तेजी आने की उम्मीद कितनी है, और क्या यहाँ पर बाय करके पैसा बनता हुआ दिखाई देता है वोडाफोन आइडिया में या नहीं। जो लोग लॉस में है क्या उन्हें लॉस बुक करके बाहर आ जाना चाहिए या फिर स्टे करके यहाँ पर वेट करना चाहिए स्टॉक के बढ़ने का, सभी चीजों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। अब बात करें वोडाफोन आइडिया की, तो देखिए दो बड़ी खबरें जैसा मैंने बताया आपको, तो एजीआर केस की सुनवाई आज थी सुप्रीम कोर्ट में, बट वो नहीं हो पाई। उसका उसके पीछे बड़ा रीजन था कि मार्था रिजर्वेशन केस के ऊपर सुनवाई चल रही थी जो कि काफी इंपॉर्टेंट केस है, और उसके लिए थोड़ा सा डिले हो गया उस केस की सुनवाई में। तो एजीआर का जो पूरा मसला है वो ये है यार कि गवर्नमेंट ने बोला कि 10 ईयर्स में आपको एजीआर के जो ड्यूज है वो पे करना पड़ेगा, एंड वोडाफोन आइडिया और एयरटेल दोनों ही बोल रहे थे कि नहीं हम 20 ईयर्स में पे कर देंगे। तो उसको रिकैलकुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली गई थी कि आप रिकैलकुलेट करके देखो इसे, एंड धीरे धीरे करके हम इसे पे करना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के पास आज टाइम नहीं था हालांकि रिकैलकुलेट करने का या ऐसा कुछ करने का, ना ही आज सुनवाई हो पाई है किसी वजह से, तो वो एक बड़ा रीजन रहा है। और एजीआर केस की अगर सुनवाई नहीं हो पाई है तो उसका मतलब है कि अब आगे डिले किया गया है, और अगर जब तक प्रोसेस डिले होती रहेगी तब तक वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो तलवार लटकी है एजीआर के, और जो इन्वेस्टर्स के ऊपर जो एक प्रॉब्लम है कि जिस वजह से ये सेकंड लार्जेस्ट टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है हमारी वोडाफोन आइडिया, उसमें पैसा नहीं बन रहा है हमारा, तो वो अभी भी मेंटेन है। एजीआर की जो खबर है वो अभी भी मेंटेन है, एजीआर का जो केस है वो अभी भी है वहां पर, तो वो जब तक नहीं हटता है तब तक यहाँ पर बहुत बड़ी रैली, जैसा मैंने बताया ना कि एजीआर का अगर केस हट गया ना तो उसके बाद तो महीने भर में, महीने दो महीने में ही ये स्टॉक हमारा 50+ जाएगा ही जाएगा। एजीआर की ये प्रॉब्लम कर रहा है हमारा, एजीआर के साथ कुछ और भी समस्याएं हैं हमारी, बट एजीआर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस समय पर। दूसरी बड़ी खबर की बात करें जिसको मतलब एजीआर को पे करने के लिए ही जो है हमारा वो पैसा रेज करना था, तो कंपनी ने बोला कि यार अभी हम हाइब्रिड सिक्योरिटीज को लॉन्च करके अपना पैसा जमा करेंगे, क्योंकि ओक सिक्योरिटीज के साथ, ओक हिल के साथ उनका जो मसला था वो बन नहीं पाया, एग्रीमेंट हो नहीं पाया, बट वो भी अब खत्म होता हुआ दिखाई देता है। आप देखिए यहाँ पर कि ये दोबारा से खबर आई है 3 मिनट मतलब सुबह में ही, 15 मार्च को कल, तो यहाँ पर है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड हैज शेल्व्ड इट्स प्लान टू रेज 25,000 करोड़ बाय सेलिंग हाइब्रिड सिक्योरिटीज टू फॉरेन फंड्स एंड इज नाउ लुकिंग टू बोरोइंग फंड, बोरो करना चाहते हैं ये अपने फंड को, नाउ हाइब्रिड सिक्योरिटीज हाइब्रिड फंड को ये नहीं लाएंगे, मतलब डिबेंचर और इक्विटी में कन्वर्टेबल डिबेंचर ये जारी करना चाहते थे, तो वहां पर उन्होंने मना कर दिया है वो कि ऐसा नहीं होगा, अभी अभी हम बोरो करना चाहते हैं अपने फंड को, एंड जो बोर्ड वगैरह है बोर्ड ने भी हमें भर दिया कि बाहर से ही फंड लेकर आओ, यहाँ पर हाइब्रिड सिक्योरिटीज मत जारी करो। तो उसकी वजह से अभी जो 25,000 करोड़ का इनका मसला था वो भी लटक गया है बीच में ही। हालांकि ये खबर ना तो अच्छी है ना तो बुरी है, ये इस खबर का मतलब ये है कि यार यहाँ से अगर इन्हें फंड मिल जाता है कहीं से, और अगर इन्होंने हाइब्रिड सिक्योरिटीज को मना किया है और बाहर से लोन लेना चाहते हैं, तो श्योरली इन्हें कोई ना कोई ऐसा फंड रेजर या फिर इन्वेस्टर दिखाई दिया है इनकी नजर में है जो कि पैसा लगाने को तैयार है, तो ये एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। बट एजीआर का जो केस लटक गया है उसकी वजह से स्टॉक हमारा कुछ और दिन तक साइडवेज में जा सकता है या फिर बहुत बड़ी रैली आने की उम्मीद थोड़ी सी कम हो जाती है, हालांकि गिरावट होने के चांसेस भी कम हो गए हैं इसके साथ ही, क्योंकि अब सुनवाई होना स्टार्ट हो गई, खबरों में दोबारा आ गया है हमारा स्टॉक। और देखियो यार, सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं है जिसके ऊपर एजीआर ड्यूज है, एयरटेल भी है इस कैटेगरी में, एयरटेल के ऊपर भी काफी ज्यादा ड्यूज है जो उसको पे करना है विद इन 10 ईयर्स, ठीक है, और दोनों ही मिलकर ये केस लड़ रहे हैं कि 15 साल कर दो। लेट्स सी क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, आज तो मार्था रिजर्वेशन केस में ही बिजी था वो, तो जब भी सुनवाई होगी तो हम उसकी बात तो आपको बताएंगे ही, बट ये दो खबरें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को ही आपको नजर रखनी है दोनों के ऊपर ही। फंड रेजिंग जैसे ही मतलब पूरी हो जाती है, जैसे ही फंड रेज हो जाता है वैसे ही स्टॉक में तेजी बनेगी, तो करना क्या है इस समय पर, आज 1% के आसपास की तेजी देखी गई है स्टॉक में, तो इस लेवल पर आपको क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है, ये होल्ड करना है, अब उसकी बात कर लेते हैं एक बार। तो देखो इस समय पर स्टॉक का चार्ट देखोगे, मार्केट का सेंटिमेंट देखोगे, ट्रेंड देखोगे, तो वो कुछ भी फेवर में नहीं है वोडाफोन आइडिया का,
और सिर्फ वोडाफोन आइडिया ही नहीं, आप टाटा पावर देख लो, टाटा मोटर्स देख लो, बंधन बैंक देखो, पीएनबी देख लोगे, कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है इस समय पर जो कि बहुत तेजी से अपर साइड की ओर बढ़ रहा हो। उसके पीछे का जो एक बड़ा रीजन है वो यही है कि जिस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, सेंटिमेंट जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं वो नहीं फेवर कर रहा है ग्रोथ को। तो अगर इसमें गिरावट है तो आप सबसे पहले सोचो कि गिरावट हो क्यों रही है, एंड जो गिरावट का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है मार्केट का डाउन साइड में होना। तो मार्केट तो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके कंट्रोल में वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आप जो तो बाय कर सकते हो या फिर सेल कर सकते हो। यहां पर मेरी राय रहेगी कि बाय ना करो बट सेल भी मत करो। यहाँ पर अगर आपके पास स्टॉक है तो इस समय पर सेल मत करो, एजीआर के ऊपर जो क्लैरिफिकेशन आने दो, बाय कर रखा है, प्रॉफिट में हो लॉस में हो होल्ड करो, लॉस में हो तो भी होल्ड करो, मैं दोबारा कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक में जल्दी ही तेजी बनेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, स्टॉक में कोई बहुत बड़ी ऐसी आफत नहीं आ गई है यहाँ पर। यहाँ पर स्टॉक जल्दी ही रिकवर करेगा, बहुत तेजी से अपर साइड की ओर भागेगा भी, ठीक है, रिकवरी भी आएगी, पैसा भी बनेगा, प्रॉफिट भी बनेगा आपका इस स्टॉक में। तो वेट करना है, होल्ड करना है, बाय नहीं करना है, बाय क्यों नहीं करना है उसकी बात करें। एजीआर का केस जब तक लटका रहेगा तब तक थोड़ी सी इसमें देरी होती रहेगी, जब तक फंड रेज नहीं हो जाता है तब तक थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बनी रहेगी। तो वही एक बड़ा रीजन है कि जब तक ये दोनों केसेस सुलझ नहीं जाते हैं तब तक थोड़ा सा अवॉइड करो, जैसे ही सुलझते हैं वैसे ही बाइंग ऑर्डर्स लगाने हैं, वैसे ही बाय करना है हमने, और उसके तुरंत बाद ही हमारा पैसा बनेगा, ठीक है। इस समय पर डिलीवरी परसेंटेज देखोगे 30% से ज्यादा की डिलीवरी है, वीकली डेली डिलीवरी देखोगे तो यहाँ पर 15 मार्च यानी कल 35% हुई थी, डिलीवरी परसेंटेज लगातार बढ़ रहा है यार, ठीक है। जब मैंने स्टार्ट किया था लाइक एक मंथ पहले, अगर आप देखोगे जब मैंने इस पे वीडियो किया था पहला अपना वोडाफोन आइडिया पे, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 25% के आसपास, 20% के आसपास की, 15% की डिलीवरी थी। अब वीकली डिलीवरी 30% हो गया है, 21% आज भी हुई है गिरते हुए बाजार में भी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो जब से हम हमारी वेबसाइट लगभग 2014 में ही हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी, मनी कंपल्शन वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हो, देन 2014 से ही हम वोडाफोन आइडिया को मैनेज करते आ रहे हैं, वहां से ही मुझे लगता है कि स्टॉक लगातार अपनी डाउन ट्रेंड पर है, अंडर वैल्यूएशन में है, बाइंग अभी नहीं करनी है बट हाँ अवॉइड नहीं करना है, स्टॉक को नजर गड़ा के रखनी है, जैसे ही दोनों केसेस के ऊपर क्लैरिफिकेशन आता है वैसे ही बाइंग ऑर्डर्स लगाने, प्रॉफिट बनेगा आपका। एक जो फैक्टर है जहां नजर रखनी है वो है मार्केट, मार्केट को थोड़ा सा आपको वॉच करना है, मार्केट जैसे ही हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रिकवरिंग मोड में आ जाता है इस सिचुएशन में भी विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन ऑन द केस आपका ये स्टॉक तेजी में आएगा ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चार्ट की, चार्ट को अगर आप देखोगे तो चार्ट भी हमारा बेहतरीन दिखाई देता है। यहाँ पर आप एक जो हमारा रेजिस्टेंस जोन बन रहा है नियर बाय रेजिस्टेंस जोन जो आज इंट्राडे में ब्रेक भी हुआ है उसके ऊपर नजर डालोगे तो इंट्राडे का चार्ट अगर आप यहाँ पर देखोगे काफी बेहतरीन चार्ट तो नहीं है हमारा ये, काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट नहीं है हमारा ये, बट स्टिल यहाँ से अच्छे खासे मोमेंटम की उम्मीद आप कर सकते हो। देखो एक जो रेजिस्टेंस जोन बन रहा है हमारा वो पहला है 10.30 रुपए का, 10.30 रुपए का रेजिस्टेंस ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 रुपए का हमारा लोअर साइड का सपोर्ट जोन भी है यहाँ पर आप देख सकते हो, 9 रुपए 10 रुपए का हमारा एक सपोर्ट जोन भी है, तो आपको वो भी वॉच करना है। अगर गिरावट होती है तो 10 रुपए तक की ही गिरावट मान सकते हो आप, इससे नीचे जाने की उम्मीद नहीं है हमें, बट लेट्स सी कि क्या होता है आने वाले दिनों में। ओवरऑल होल्ड करने की सलाह मेरी रहेगी, गिरावट होती है तो भी, ऊपर जाता है तो भी, प्रॉफिट में हो तो भी, लॉस में हो तो भी, यहाँ पे अच्छा खासा पैसा आपका आने वाले दिनों में बनेगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कुछ पूछना हो तो प्लीज कमेंट में जाओ, सभी कमेंट पर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे, थैंक यू अगेन।